हाय फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा। ये PHP विद MySQL का 9th ट्यूटोरियल है और इस ट्यूटोरियल में हम लोग सेलेक्ट करेंगे डेटा को। तो मान लीजिए कि हमने यहाँ पे जितना भी आईडी बनाई हूँ, जो आपका फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, आईडी है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, ये सब डेटा को मैं चाहती हूँ कि फेच करूँ और यहाँ पर डिस्प्ले करूँ कि आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, ये सब शो करूँ यहाँ पर। तो ऐसा आप कर सकते हैं। तो चलिए हम प्रोग्राम लिखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे होस्ट, लोकल होस्ट है हमारा, यूज़र नेम आ चुका है, पासवर्ड मैंने कुछ नहीं डाला है और मैंने डेटाबेस सेलेक्ट कर चुकी हूँ यूनिवर्सिटी। MySQL कनेक्ट के लिए आपको यहाँ पे MySQL कनेक्ट क्या करता है, डेटाबेस से कनेक्ट कर देगा। तो ये चार पैरामीटर यहाँ पे डाल चुकी हूँ, लोकल होस्ट आ जाएगा, रूट, पासवर्ड और यूनिवर्सिटी। अगर ये सक्सेसफुली कनेक्ट नहीं होता है तो एरर दे दें, MySQL कनेक्ट एरर। तो हमें सेलेक्ट करना होगा स्टूडेंट टेबल से। तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बना लेती हूँ SQL, और अगर आपको सेलेक्ट करना है तो आपको सेलेक्ट यूज लिखना होगा, सेलेक्ट। तो मान लीजिए मैं सेलेक्ट करती हूँ आईडी को, फर्स्ट नेम को, नेक्स्ट हम लोग लास्ट नेम को सेलेक्ट करेंगे, लास्ट नेम को, नेक्स्ट हम ईमेल को सेलेक्ट करते हैं, ईमेल को कौन से टेबल से, फ्रॉम स्टूडेंट टेबल से, स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम एक और वेरिएबल बना लेते हैं जो कि रिजल्ट होगा, और इसके अंदर हम लोग माई SQL क्वेरी डाल देती हूँ। और ये दो पैरामीटर लेता है, पहला कनेक्ट और नेक्स्ट जो है SQL। और अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि जितना भी डेटा है उसको फेच करके दे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इफ़ स्टेटमेंट लिख देती हूँ, मैं ये बताती हूँ ये हो क्या रहा है। देखिए, पहला क्या करेंगे कि हमारे रो के अंदर MySQL num rows एक फंक्शन है जिसके अंदर जितना भी नंबर ऑफ रोज़ होगा, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ नंबर ऑफ रोज़ हमारा कितना है, यहाँ पे 5 है। तो ये पांचों जो रोज़ आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, माई SQL नम रोज़, ठीक है। और ये जितना भी हमारा रोज़ होगा डॉलर रिजल्ट, मैं बता रही हूँ क्या हो रहा है, ठीक है, मैं पहले लिख लेती हूँ। अगर ये जो है ग्रेटर देन अगर 0 है तो यहाँ देखिए, माई SQL नम रोज़ रिजल्ट, रिजल्ट में क्या है, देखिए सारा पहले SQL का क्वेरी आ जाएगा इसमें। तो माई SQL नम रोज़ में कितना रोज़ है, तो ये देखिए 5 रोज़ है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। 5 जो है बड़ा होता है 0 से, ये कंडीशन सही है। तो ये नीचे वाले स्टेटमेंट पे रन करेगा। जब आपको कोई भी स्टेटमेंट को अगर फेच करना है तो हम वाइल लूप का यूज़ करेंगे। जब भी आपको सेलेक्ट स्टेटमेंट आप यूज़ करते हो तो आप फेच करने के लिए वाइल लूप का यूज़ करें, क्योंकि जब तक ये कंडीशन सही रहेगा तब तक ये रिजल्ट देते रहेगा। तो वाइल लूप का यूज़ कर रहे हैं हम लोग। एक वेरिएबल बना लेती हूँ इसके अंदर रो नाम का, इक्वल्स टू हम लोग MySQL फेच एसॉक। MySQL फेच एसॉक क्या करेगा कि एसॉक मतलब क्या होता है, एसोसिएटिव। पहले मैं लिखती हूँ MySQL फेच एसॉक, और इसके अंदर हम क्या करते हैं डॉलर रिजल्ट डाल देती हूँ, और यहाँ हम इको करेंगे। देखिए मैं सब बताऊँगी ये क्या हो रहा है, अगर अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है तो। सबसे पहले मैं आईडी को फेच कर रही हूँ, तो आईडी इज टू, और यहाँ हम आईडी के रो जो है इसके अंदर आईडी डाल देती हूँ। ठीक है, अगर ये सक्सेसफुली हो तो यहाँ पे आप फेच कर दो, नहीं तो एल्स इको कर दो। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं 0 रो को अगर बड़ा है तब ये इसके अंदर जाए, नहीं तो रिज़ल्ट 0 कर दे, रिज़ल्ट 0। इसे सेव कर लें, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है, सबसे पहले क्या है, SQL को, SQL एक वेरिएबल बनाई हूँ जिसमें हम सेलेक्ट कर रहे हैं आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है। तो ये सारा कुछ आ जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। फिर MySQL क्वेरी के अंदर हम लोग दो पैरामीटर पास करा रहे हैं, पहला कनेक्ट और SQL। अगर ये कंडीशन सही है, इफ़ MySQL num rows
जो रिजल्ट में, अभी रिजल्ट में कितना है देखिए, नंबर ऑफ रोज कितना है, तो आप यहाँ देख सकते हैं ये 5 है, तो ये क्या होगा, 5 यहाँ आ जाएगा। MySQL ये नम रोज क्या करेगा, नंबर ऑफ रोज जितना भी होगा वो ले लेगा, तो यहाँ 5 आ गया। 5 जो होता है बड़ा होता है 0 से, कंडीशन सेटिस्फाई करेगा इस इफ ब्लॉक के अंदर आ जाएगा। अब वाइल लूप की मदद से हम लोग जितना भी फेच करेंगे डेटा को दिखा सकते हैं, तो वाइल लूप क्या करता है, जब तक कंडीशन सही रहेगा तब तक रन कराते रहता है। तो देखिए MySQL फेच एसॉक क्या करता है, एसॉक मतलब होता है एसोसिएटिव अरे, ये क्या करेगा रिजल्ट में जो भी वैल्यू होगा वो ले लेगा। तो पहला वैल्यू क्या है, मान लीजिए पहला वैल्यू क्या है, ये आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, ये सब आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये सारा डेटा किसमें, रोज में आ जाएगा। जब भी आपको एसोसिएटिव अरे का यूज़ करना होता है, तो आप PHP में पढ़े होंगे कि आपको एसोसिएटिव के लिए आपको जो भी ये वेरिएबल है वो लिखेंगे, यहाँ डॉलर लिख दें, ठीक है। जो भी एसोसिएटिव अरे, एसोसिएटिव अरे के लिए क्या करना होता है आपको यहाँ पे, तो देखिए अरे जो होता है दो तरह का होता है, एक इंडेक्स अरे और एक एसोसिएटिव अरे। एसोसिएटिव अरे के लिए क्या लिखना होगा, यहाँ पे आपको यहाँ पे जो होगा यहाँ पे आपको नाम देना होगा। तो देखिए सबसे पहले मैंने एक डॉलर रो जो मैं यहाँ पे बनाई थी ये यहाँ पे लिख दी हूँ, और इसके अंदर आईडी, तो आईडी क्या करेगा फेच करके दे देगा। पहले आप इसे सेव कर लें और मैं इसका रिजल्ट दिखाती हूँ, उसके बाद आपको समझ में आएगा। और यहाँ हम लोग रिफ्रेश कर दें, तो ये देखिए ये जितना भी आईडी है वो आ गया है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले ब्रेक डाल देती हूँ, सेव कर लें और इसे मैं रिफ्रेश कर देती हूँ। तो देखिए आईडी नंबर 1 2 3 4 आ चुका है। देखिए ये 3 मैंने यहाँ पे डिलीट कर चुकी हूँ, इसलिए 3 आपको आईडी नंबर नहीं दिखा रहा होगा, 1 2 4 5। तो यहाँ देखिए 1 2 4 5 आ चुका है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे MySQL नम रोज़ के अंदर रिजल्ट, इस MySQL नम रोज़ के अंदर जितना भी रोज़ है आपका, यहाँ पे 4 अगर है, यहाँ पे 1 2 3 4 है, तो ये 4 रोज़ यहाँ पे आ चुका है, ये 4 रोज़ यहाँ पे आ चुका है। 4 जो होता है बड़ा होता है 0 से, कंडीशन सेटिस्फाई कर गया, अब इस एफ ब्लॉक के अंदर आ गया। वाइल लूप की मदद से हम लोग क्या कर रहे हैं, वाइल लूप की मदद से हम लोग कंडीशन को अगर जब तक सेटिस्फाई होता तब तक इसे रन कराएंगे। MySQL फेच एसॉक क्या करेगा, एसोसिएटिव अरे है, ये सारा जो भी रिजल्ट होगा उसके अंदर आ जाएगा, और यहाँ पे एसोसिएटिव अरे को फेच करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो भी आपका वेरिएबल है वो और उसके अंदर जो भी कॉलम का नाम है वो लिख देंगे। तो नेक्स्ट अगर हम चाहते हैं कि नाम को प्रिंट करें, तो हम क्या करेंगे, हम कंकैटिनेट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है आपका नाम, तो हम लोग नेम लिखेंगे, नेम, और उसके बाद कंकैटिनेट कर देती हूँ, और डॉलर रो, और इसके अंदर जो भी वैल्यू होगा। नेक्स्ट क्या है आपका, देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट नेम, तो यहाँ से कॉपी करके मैं यहाँ पेस्ट कर देती हूँ, तो ये क्या होगा फर्स्ट नेम यहाँ पे आ जाएगा। सेव कर लें और मैं यहाँ रिफ्रेश कर देती हूँ, तो ये देखिए जो पहल जो नेम है आपका जूली आ गया है। सेकेंड नेम यहाँ पे स्पेस डाल देती हूँ, पहले मैं यहाँ पे आगे मैं स्पेस डाल देती हूँ, रिफ्रेश कर देती हूँ, ये देखिए रिफ्रेश करने पे नेम जो है थोड़ा सा यहाँ हो गया। तो नेक्स्ट क्या है रो फर्स्ट नेम, पहले देखिए यहाँ पे कंकैटिनेट की हूँ, देखिए ये पहले ये आईडी है सिंपल सा, उसका कंकैटिनेट करके रो आईडी कर चुकी हूँ। नेक्स्ट आप कंकैटिनेट किए हैं, यहाँ पे नाम आ चुका है, फिर कंकैटिनेट किए हैं, रो फर्स्ट नेम आ गया है। तो देखिए फर्स्ट नेम जितना भी आपका है जूलिया पूर्वा सारा, देखिए फर्स्ट नेम जितना भी है वो आ गया। अब हम चाहते हैं कि लास्ट नेम आए, तो लास्ट नेम के लिए आपको क्या करना होगा, मैं यहाँ पे एक और कंकैटिनेट कर देती हूँ, ठीक है। और यहाँ हम लास्ट नेम नहीं लिखेंगे, बस लिख देते हैं कि स्पेस दे देती हूँ, तो ये स्पेस आ जाएगा बीच में, और उसके बाद हम लोग डॉलर रो लास्ट नेम कर देंगे, डॉलर रो लास्ट नेम, ठीक है। इसे सेव कर लें और यहाँ मैं रिफ्रेश कर दूँगी, तो ये देखिए लास्ट नेम जो भी है आपका यहाँ पे सिंह सिन्हा रॉय तक, ये देखिए यहाँ तक आ चुका है रॉय। फिर नेक्स्ट क्या है ईमेल, फिर हम क्या करेंगे सिमिलरली फिर यहाँ पे कनकैट करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे ईमेल, ईमेल, और यहाँ पे हम लोग फिर कनकैट करते हैं और यहाँ लिखते हैं डॉलर रो, और इसके अंदर हम ईमेल कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम स्पेस दे देते हैं कि ये स्पेस रहे, सेव कर लें और यहाँ हम रिफ्रेश कर देते हैं, तो देखिए ये ईमेल यहाँ पे
स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ पे स्पेस डाल देती हूँ, और यहाँ हम रिफ्रेश कर देते हैं, तो ये देखिए स्पेस आ गया। तो ईमेल जो है हमारा वो आ गया है, सारा का ईमेल आ गया है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, MySQL नमरोज़ के अंदर ये चार रिज़ल्ट आ चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पे चार रिज़ल्ट है, तो ये चार आ गया है। चार जो है हमेशा बड़ा होगा 0 से, कंडीशन सेटिस्फाई कर दे, इफ़ ब्लॉक के अंदर जाएगा, वाइल लूप फेच करेगा। यहाँ देखिए वाइल लूप के अंदर हमने एक वेरिएबल बनाई हूँ रो, और MySQL फेच एसॉक क्या करेगा, पहला जो अरे होगा वो सारा आ जाएगा इसके अंदर, और उसका जो ID होगा, फर्स्ट नेम होगा, लास्ट नेम होगा, और ईमेल उसे प्रिंट कर देगा। रन होते जाएगा, कंडीशन सेटिस्फाई करते जाएगा, एक एक डेटा को फेच करके रिजल्ट देते जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ID, ये ID यहाँ पे आ गया है इसका, ये जो नेम है फर्स्ट नेम लास्ट नेम यहाँ आ गया, और ईमेल जो है ये यहाँ पे आ गया है। और यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं, ID, नेम, ईमेल, ये सारा आ चुका है। थैंक यू सो मच गाइस, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।